सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर लुटेरियों ने लूटी फैक्ट्री, मामला संदेहास्पद, जांच में जुटी पुलिस। पलासी नगर पालिका में पानी की टंकी में चढ़ा युवक, नियमितीकरण की मांग को लेकर किया हंगामा। टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा जिले से आए सबसे ज्यादा आवेदन, कल से पुलिस ग्राउंड में शुरू होगा कार्यक्रम। वैक्सीनेशन महाअभियान का हुआ एक्सीलेंस स्कूल में भव्य शुभारंभ, जिले भर में 60,000 टीके लगाए जाने का अनुमान। और अपोलो टायर शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ, अरोरा ऑटो एजेंसी को 25 साल हुए पूरे। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पांडुरना की एक सिगरेट फैक्ट्री में मंगलवार देर रात अज्ञात लुटेरों ने धावा बोलकर सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लिया, जिसके बाद लुटेरे लाखों रुपए के सिगरेट बॉक्स को लेकर गायब हो गए। हालांकि पुलिस इस लूट को संदेहास्पद मानकर जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पांडुरना के ग्राम राजना स्थित अरोमा सिगरेट कंपनी में मंगलवार रात अज्ञात लुटेरे लूट के इरादे से कंपनी में आए। उन्होंने कंपनी में कार्यरत मोर डोंगरी निवासी प्रेम लाल धारपुरे सहित एक अन्य सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लिया। लुटेरों ने गोडाउन में रखे सिगरेट के बॉक्स उठाए और रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद 300 से 350 बॉक्स सिगरेट लूटने की बात कंपनी द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी अरोमा सिगरेट कंपनी की इस लूट को लेकर शहर में अलग अलग अफवाहों का बाजार गर्म है। पुलिस भी इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि अभी घटना की जांच की जा रही है, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप दो ही लोग थे, आप गार्ड हैं, सुरक्षा के लिए माल कितना होगा? फिर भी माल का पता नहीं सर, वो सर लोग उनको पता रहते काय में ले गए, वो कौन सा वाहन था सर? हमको तो पूरे आग का पूरा बंद कर, तुम वही बंदे थे, तुमको खोला किसने फिर? वो तो हम सारे करीबन ने हम अपने आप को मैंने एक दूसरे के एक किया, हम वो तो बांध के चले गए थे ऐसे करीबन 8 बजे करीबन 1:30 के बीच, माने 8 बजे से 1:30 बजे तक आप बंदे ही रहे। फिर ये क्या हुआ इधर, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा? गेट खोला इसके लिए, और गेट खोला तो एकदम मेरे को पूरा कपड़े से झाँक दिया उसने। अच्छा। जितने इतने दिया मैंने पहचान ही नहीं कुछ नहीं, ऊपर से डाल दिया। हाँ, फिर इसके पीछे दौड़े, इसने यहाँ गाड़ी लगाया पास में, वो इस आए और लड़की कहाँ छुपा है बताओ, क्यों बोले लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है, मैंने कौन सी लड़की यार। सूचना थाना पांडुरना में प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय सिगरेट मेकिंग एक प्राइवेट कंपनी में कुछ उनका जो सामग्री वहाँ पर रखी हुई थी, जो फैक्ट्री कुछ दिनों से विगत 3-4 माह से बंद होना बताया गया था, उससे माल चोरी हो जाने संबंधी कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ऐसा घटनाक्रम की सूचना मिली थी। वरिष्ठ अधिकारीगण और थाना पांडुरना की पूरी टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी और संबंधित चौकीदार और अन्य लोगों से पूछताछ भी की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें स्थिति संदेहास्पद है, इसकी जाँच चल रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परासिया नगर पालिका में नियमितीकरण नहीं होने से नाराज एक युवक बुधवार को क्षेत्र की पानी की टंकी में चढ़ गया। युवक का कहना था कि 3 वर्ष पहले उसके नगर पालिका में कार्यरत पिता की मौत हो चुकी है, तब से लेकर आज तक उसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, जबकि बार बार नगर पालिका के चक्कर काटने पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात से नाराज वार्ड नंबर 16 निवासी किशोर थोनारिया उम्र 24 वर्ग नई नगर पालिका के बाजू में बनी पानी की टंकी में चढ़ गया। मामले की खबर जैसे ही नगर पालिका अमले को लगी, तत्काल मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद आरक्षक अनिल बघेल ने पानी की टंकी पर चढ़कर किशोर को समझाइश देकर नीचे उतारा। नगर पालिका परासिया सीएमओ से किशोर को मिलवाकर जल्द ही उसकी समस्या का निराकरण करने की बात कही गई। थाना परासिया क्षेत्र में स्थानीय नगर पालिका परिषद में एक अस्थायी सफाई कर्मचारी जो अपनी कुछ विभागीय समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था, उसको पुलिस कर्मचारी और नगर पालिका के ही अन्य कर्मचारियों द्वारा समझाइश देकर उसको सुरक्षित नीचे उतारा गया है। उसकी समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। प्रदेश सरकार टैलेंट सर्च 2021 अभियान चला रही है, जिसके तहत छिंदवाड़ा जिले से सबसे ज्यादा आवेदन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च अभियान रखा गया है, जिसमें विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन छिंदवाड़ा से आए हैं, जिले भर से लगभग 7,000 प्रतिभागियों ने आवेदन किया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों की प्रतिभा को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिला पूरे प्रदेश में ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन में पहले पायदान पर आया है और लगभग 7,000 से अधिक बच्चों ने
विभिन्न क्षेत्रों से इसमें रजिस्टर किया है अपने आप को। कल 26 तारीख से इस टैलेंट सर्च अभियान के अंतर्गत बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों से SMS के द्वारा संचालनालय द्वारा ही सूचित किया गया है और वो सभी लोग यहाँ पुलिस लाइन स्थित खेल मैदान में इकट्ठा होंगे और उनके जो 7 अलग अलग टेस्ट होने हैं उसको विभिन्न टीमों द्वारा परीक्षा की जाएगी। COVID-19 से बचाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 और 26 अगस्त को महा टीकाकरण अभियान चलाया गया है, जिसमें जिला प्रशासन ने 25 अगस्त को 60,000 और 26 अगस्त को 30,000 वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका शुभारंभ बुधवार को एक्सीलेंस स्कूल में किया गया, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, SPV अग्रवाल, BJP जिलाध्यक्ष विवेक साहू, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रवान सिंह, शेषराव यादव, रमेश पोखरी सहित शहर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। SDM अतुल सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में आज लगभग 60,000 का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। रात 9 बजे तक कुछ वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, जिसके बाद कुल कितना टीकाकरण हुआ इसकी सटीक रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे देश के SSV प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे देश के लोगों को, नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि इस वैक्सीन को लगवाएं और इस संक्रमण को रोका जाए। जिस तरीके से पिछला हमारा महाअभियान चला था टीकाकरण का, वो बहुत ही सफल हुआ था। उस समय लगभग 17,00,000 वैक्सीन मध्य प्रदेश में हमारे लोगों को लगी थी। आज उसी क्रम में दूसरा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगभग टारगेट लेके चला गया है कि 20,00,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसमें छिंदवाड़ा का भी हम सभी को प्रयास करना है कि लगभग हम 15,00,000 वैक्सीन लगवाएं। ऐसी महामारी हमने इस सदी में कभी नहीं देखी 100 साल के अंदर, जिससे पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। और इसलिए मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी टीकाकरण कराने के लिए आप प्रेरित करें। आज 2 दिन महाअभियान है और ये क्रम जो है टीकाकरण का, ये निरंतर चलते रहेगा। हमारी जो प्रशासनिक अमला है, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक अमला जो है, पूरी मुस्तैदी के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी से आह्वान करते हैं, छिंदवाड़ा के समस्त नागरिक जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो अपना पहला डोज जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी केंद्र में पहुंचकर लगवाएं, और जिन्होंने पहला डोज पहले लगवा लिया है और उनका जो निश्चित अंतराल है दिनों का वो पूर्ण हो गया है, तो वो अपनी सेकेंड डोज के लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचें। इस पूरी व्यवस्था में पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी लगभग 65,000 लोग हैं जिनका द्वितीय डोज ड्यू है और उनका टीकाकरण होना है। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है, ऐसे सभी लोग जिन्होंने कोविशील्ड लगाया और उनका 84 दिन का समय व्यतीत हो चुका है, कोवैक्सीन वालों का 28 दिन का समय यदि व्यतीत हो चुका है, तो विशेष रूप से कल के दिन, क्योंकि आपके लिए प्राथमिकता है, तो बड़ी संख्या में आएँ और अपना टीकाकरण कराएँ। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम लोग अपने ज़िले को 100% दोनों डोज के साथ टीकाकृत कर लेंगे और कोरोना से अपनी पूरी जनसंख्या को सुरक्षित कर लेंगे। स्टेडियम कॉम्प्लेक्स स्थित अरोरा ऑटो एजेंसी में बुधवार को अपोलो टायर शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी और ग्राहक कार्यक्रम में पहुंचे। संस्थान के संचालक कुलदीप सिंह अरोरा ने बताया कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उनके संस्थान को 25 अगस्त के दिन 25 साल पूरे हो चुके हैं। दोपहिया वाहनों के कलपुर्जों के अलावा अब उनका संस्थान अपोलो टायर की भी विस्तृत श्रृंखला जिलेवासियों के लिए लेकर आया है। गौरतलब है कि अरोरा ऑटो एजेंसी में दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अपोलो टायर का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, जिसमें वाजिब दामों के साथ गारंटी और वारंटी भी दी जा रही है। ग्राहकों के विश्वास पर अरोरा प्रतिष्ठान हमेशा खरा उतरा है, इसलिए इन्हें क्षेत्र में बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। शराब पीकर हॉस्टल आने और सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के मामले में ट्राइबल विभाग सहायक आयुक्त NS बरकड़े ने हॉस्टल के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास चौरे के कर्मचारी दयाशंकर रघुवंशी की शिकायत छात्रावास अधीक्षक द्वारा ट्राइबल विभाग सहायक आयुक्त से की गई थी। छात्रावास अधीक्षक ने अपनी शिकायत में बताया था कि 27 जुलाई को हॉस्टल में कार्यरत दयाशंकर सूर्यवंशी शराब के नशे में धुत थे। वहीं दयाशंकर पर सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने, सीनियर अधिकारी की बातों को नहीं सुनने और जनप्रतिनिधियों के साथ गाली गलौज करने की भी शिकायत थी, जिसके चलते ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दयाशंकर सूर्यवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बुलेटिन वक्त जरा छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है।
मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर बीते 10 अगस्त से पटवारियों की कलमबद्ध हड़ताल जारी है। बुधवार को 16वें दिन भी छिंदवाड़ा पटवारी संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटा रहा। मांगे नहीं मानने तक आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी सहित समस्त पटवारी धरनास्थल पर मौजूद थे। प्रदेश सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के लिए महाटीकाकरण अभियान चलाया गया है, जिसमें 25 और 26 अगस्त को 90,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्रशासन ने निर्धारित किया है। इसे लेकर बुधवार को SDM अतुल सिंह ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी संगठनों से जिले भर में वैक्सीन लगवाने, जागरूकता लाने की अपील की। बैठक में नायब तहसीलदार खुशबू मालवी, जिला पंचायत टास्क मैनेजर ममता नामदेव, सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, समाजसेवी तरुण सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 11,000 बचे, अचानक 2,000-4,000 सेकेंड डोज रोज भी होगा, क्योंकि हमने 4,000-5,000-6,000-8,000 तक वैक्सीन रोज लगाई। तो जैसे ही उसकी 84 दिन पूरा होगा तो एक साथ 8,000 लोग हमारे बढ़ जाएंगे, जिनका भी हो जाएगा। तो अब हमें सेकेंड डोज पे ज्यादा टारगेट करने की जरूरत है। आप सभी से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में। सामान्य शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें बच्चों की छात्रवृत्ति, अपडेशन, मैपिंग, पाठ्यपुस्तक इत्यादि बिंदुओं पर वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सामान्य शिक्षा विभाग के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं उसके बारे में आज VC ली गई है, जिसमें बच्चों की छात्रवृत्ति अपडेशन, मैपिंग अपडेशन, पाठ्यपुस्तक और जो हमारे परिवेदना शिविर हुए हैं उनके बारे में, और जो परिवार समिति स्कूलों में गठित की जानी है इसके बारे में समीक्षा की गई है, और उसी के संबंध में निर्देश भी हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे निर्देश दिए हैं विभाग के द्वारा, उनका पालन हमको 25 एक सप्ताह के अंदर अंदर करके उनको देना है। लंबे समय से अशासकीय स्कूल प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पालक भी बच्चों के अध्यापन को लेकर परेशान हैं। इन सब समस्या को देखते हुए बुधवार को जिले के प्राइवेट स्कूल संचालक स्थानीय फवारा चौक में मौन सत्याग्रह पर बैठे। अशासकीय शाला संचालक विनोद तिवारी ने बताया कि सत्याग्रह में प्रथम दिन स्कूल संचालक संदीप अग्निहोत्री, प्रकाश जायसवाल, रणधीर ताम्रकार, श्याम गजवीये, महेश ठकारिया, राकेश खरे सहित अन्य संचालक धरने में बैठे थे। हम लोगों का विद्यालय विगत 18-20 माह से बंद है और शासन किसी भी प्रकार का हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। आगामी भविष्य में कोई नीति नहीं शासन के पास कोरोना को लेकर कि विद्यालय खोले जाएंगे कि नहीं खोले जाएंगे। आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा विद्यालय जब खुले तब खुले, लेकिन हम लोगों का आरटी का भुगतान तो कर दिया जाए अभी, जिससे प्राइवेट स्कूल संचालक की जो स्थिति है कम से कम कुछ तो सुधार आए। जनार्दन विकासखंड के 40 केंद्रों में 7,000 कोविड वैक्सीन डोज लगाने का महाभियान गुरुवार को भी जारी रहेगा। इसका शुभारंभ आज SDM मधुवंत राव धुर्वे, तहसीलदार रेखा देशमुख, जनपद CEO सुरेंद्र साहू, स्वास्थ्य विभाग SP डेंडोरे, नगरपालिका लिपिक LP सक्सेना, मुकेश चौरसिया, पंकज शर्मा के द्वारा किया गया। जुनारदेव ब्रह्म समाज द्वारा भुजलिया मिलन समारोह का आयोजन विजय स्तंभ में किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित कर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, कौमी एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन जयवंत तिवारी मुन्नू महाराज ने किया। भुजलिया मिलन समारोह में पंडित प्रीतम प्रसाद त्रिवेदी, पंडित वृंदावन दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।